खाने पीने का सामान हमको सिनेमा हॉल के अंदर लेके जाना है। हम लोग एक्चुअली में लोगों को चोरी सिखा रहे हैं यार। उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है। तो यार आज का हमारा किस्मत बहुत खराब था। मूवी इतना बेकार था कि हम मूवी आधा से छोड़ के भाग गए। पापा से क्या, जिस रईसी के बाद भिखारी ना हो इंसान। आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? जा रहे हैं मूवी देखने के लिए। जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं मूवी देखने के लिए बाहर, और सच में आज बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं हम लोग। और आज का ब्लॉग शिवम नहीं मैं बना रही हूँ। मतलब हर बार ऐसा होता था कि कहीं बाहर जाते थे तो ब्लॉग जो है वो विक पांडे चैनल के लिए बनता था, लेकिन आज मेरे चैनल के लिए बन रहा है। यार कितना ज्यादा शोर कर रहा है ये, और सच बताए तो हम लोग बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं। चलिए पूजा दी, शिवम टांग की इसको कार में रखो। चलो बड़ी बहन है मंगल, टांग के रखो इसको कार में। क्या हुआ, पैर टूट गया? हाँ पैर टूट गया, नहीं पेट में बम फूट रहा है, इसके कहने का मतलब। लग जा यार, हाथ लगा दिया मंगल, एक तो सारा हम खा नहीं पा रहे। चलो 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 शिवम। तो अभी पता है हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने के लिए, और हम सारे लोग जा रहे हैं एक साथ पहली बार और बहुत दिनों बाद। जॉन बनेगा डॉन कैसा लग रहा है? तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मैं रेस 3 चल रहा था और भागी थी सिनेमा हॉल से। आज अगर भागना पड़ा ना, कसम से जिंदगी में सिनेमा नहीं देखूंगी। चलो 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 निकलो, चलो चलो यार जल्दी आइए। चलिए 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 चलो। आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे ना मूवीज देखना बहुत पसंद है और बहुत मजा आता है, और ये लोग बहुत ज्यादा लेट कर चुके हैं। पता है हम लोगों का ना 6 बजे का शो है और अभी 4:30 बज रहा है। पता नहीं इतने कम टाइम में हम लोग 50 किलोमीटर दूर कैसे पहुंचेंगे। लड़कियों का यही प्रॉब्लम है, हमेशा लेट। और इस बेचारी का हमेशा का वही प्रॉब्लम है कि खाना पीना लेके और गाड़ी में बैठती है और फिर वही खाते हुए जाती है। इस गेट पे आने के बाद भी मुझे बाहर 10 मिनट वेट करना पड़ा, और लेट करने में अपनी घर की लड़कियां ही नहीं, लड़का भी बहुत आगे है। उसका गलती कुछ नहीं है, आई बात समझ में। पूरा प्लेन रोड है, एकदम से ट्रैक्टर वाला घुसा दिया तो मैं क्या करूँ। कॉफी लेके बैठी है बेचारी, पूजा दी संभल नहीं, हिंदी में था कॉफी तो वो लुघड़ गया। पूजा दी आज लाल परी लग रही है ना शिवम? पूजा दी आज लाल परी लग रही है ना? हंस दो थोड़ा सा। अरे बाप रे बाप, सब यहाँ का ट्रैफिक देखो कितने बुरे तरीके से है। हट, वहाँ से लेकर के ट्रैफिक नहीं तो क्या है ये? ट्रैफिक है बाबू। तो इस पैंट के बारे में कुछ बताने वाली थी मैं, लेकिन दो बार मैं बताने की कोशिश की मैंने, लेकिन दोनों बार मैं बता नहीं पाई, तो अब तीसरी बार नहीं बताऊंगी मैं, सीधा दिखाऊंगी आपको, देखना कि ये पैंट पहनने का रीजन क्या है। लोगों का बिठाई घूम रहे हो ऑटो के अंदर? इमरजेंसी में क्या हुआ, मर रहा है कोई? गाड़ी में गाड़ी में इंडिकेटर है ना? बाइक में थे लेके साइड इतने लोगों का एक बार में जान ले लेता है, गाड़ी छुप जाता है। लोग का दिक्कत नहीं है, तुम्हें क्या दिक्कत है? हैं लोगों का दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है, चल रहा है, दिक्कत क्यों नहीं है? थोड़ी देर गाड़ी चलाओगे? अरे यार ये आदमी चार बार गाड़ी क्या करता है? जो था वो भी मरता, और इसके बाद जो भी था वो भी मरता। कोई नहीं मरता, कोई नहीं मरता, बता दे तुम जैसे पागल के वजह से ना हमारी बहन जा चुकी है। साला ऑटो चलाते हो तुम लोग इसे पागल की तरह। ऐसे लोग की वजह से तो एक्सीडेंट होता है। चला रहे अभी तो सराफत दिखाने के लिए उतरा था, फिर पता नहीं फैमिली लेके जा रहा है, कार लेके जा रहा है, पता क्या। ऐसे लोग पागल की तरह चलाते हैं और कहीं ना कहीं गलत चीज है यार। तो पंगा पुंगा होने के बाद हम आए हैं बीकानेर में कुछ भोजन ग्रहण करने के लिए, उसके बाद जाएंगे सिनेमा हॉल। हमारे आने से पहले शिवम जी यहाँ पे विराजमान है। पहले से ही विराजमान हो? क्योंकि वक्त कम है, कम वक्त में सब कुछ करना है। क्या ऑर्डर किया अभी तक? छोला भटूरा और प्याज कचौड़ी। हाँ ठीक है ठीक है। पता है हम इतना अग्रेसिव क्यों हो गए थे? क्योंकि ऐसे ही हरकत के कारण
कुछ टाइम पहले हमारी बहन हमारे पास नहीं रही, तो कहीं ना कहीं वो गलती कर रहा था, तो वो किसी परिवार के साथ गलती कर रहा था, तो हमने ये सोच के भी थोड़ा सा बोला। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? जल्दी जल्दी खा लो, मंगल आया नहीं है अभी तक। दो थोड़ा सा हम भी ट्राई करेंगे, आज हम भी खाएंगे। हम लोग बीकानेर में खाने वाले, देखते हैं कि इसका कैसा रहता है। पूजा दी उसका ऑपरेशन मत करो, खाना है उसको। अच्छा तोड़ रही हो, मुझे लगा पूजा दी ऑपरेशन कर रही है। मिल बाट के खाओ ना, खाओ जो खाना है खाना। बाबू कैसा है? नहीं अच्छा, लेकिन सिनेमा हॉल में अगर चोरी चुपके से ये चला गया ना तो सबको अच्छा लगेगा। अब ये क्या है, रसमलाई आ गया। कितना रसमलाई करना था शिवम? एक ही, चलो खाओ। भाई मैं गई थी कुछ सामान ऑर्डर करने के लिए, और ये लोग देखो सब कुछ मंगा के खा भी गए, मेरे लिए कुछ छोड़ा भी नहीं। तुमको इतना चुल क्यों मच रहा है अगर वो पेमेंट कर रहा है तो? भाई ये मेरा कर सकता है, बाद में मंगल को बोलूंगी, मंगल तुम कौन हो? ये बिल पकड़। अब इतना उठने 5 दिन भिखारी हो जाएगा, फिर देखना। अरे भाई वो पापा से ये क्या, जिस रईसी के बाद भिखारी ना हो इंसान। अरे रे अरे पापा से ये ले लेगा दो गुना। क्या डायलॉग मारता है यार ये। चलो पूजा चलो, हो गया पानी उठाओ। ए इधर आओ सब लोग, पूजा का तबीयत खराब हो गया है यहीं पे, वो लोग निकल लिए, उनको पता भी नहीं है, किसी भी वक्त फ्लोर गंदा हो सकता है। अरे आओ। अरे उसको उसको समझ में आ गया तो वो आ रही है। इधर आओ, किसी भी वक्त फ्लोर गंदा हो सकता है। मेरा जूस पी लो नहीं भला। क्या रख लो? रख लिए हैं तो रख लो, क्या दिक्कत है? ठीक है सब कुछ ठीक है तो चलो, नहीं तो यहीं का फ्लोर गंदा करके चलो। सब काम ही नहीं करेगा। अरे ठीक है यार, इतना कड़क तो बोल रही है। चलो पूजा ने टिप नहीं दिया था, इसलिए पूजा गई टिप देने के लिए। वाह पूजा वाह, कितना सुंदर काम किया तुमने, वाह। तो फाइनली अब फ्लोर भी गंदा नहीं हुआ, और अब हम लोग जा रहे हैं आगे। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। बेचारी का हालत खराब है भाई, देखो इसका, बेचारी का हालत बहुत खराब है यार, ये बहुत ज्यादा ही नाजुक है। चलिए बढ़िया। हाँ ये गंदा एरिया है, गंदा कर दो वहाँ वाला। तो यही बैठ के लोग खाना खा रहे हैं यार, चलो मंगल आगे, आगे चलो यार, नहीं तो वो लोग वहाँ का फ्लोर गंदा कर देंगे। आगे नहीं पीछे चलते हैं। अरे कुछ नहीं करेगी, नौटंकी करेगी यार, मनोरंजन ये नहीं करेगी यार, शिट ये धोखा दे देगी हम लोगों को, मतलब हाँ बोल के नहीं करेगी। तो आज का ना हम लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि खाने पीने का सामान हमको सिनेमा हॉल के अंदर लेके जाना है और सिनेमा देखते हुए एंजॉय करना है, ठीक है? तो हम लोगों को जो भी ले जाना है अंदर, वो हम लोगों ने यहाँ बीकानेर से खरीद लिया है। जाएगी हमारी बब्बर शेरनी, हाँ, और गिनी पांडे, और हम लोगों ने जो बहुत कुछ खरीदा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे खूब सारा सामान है, ये सब हम लोग लेके जाएंगे, मतलब अगर सक्सेसफुल रहा। हम लोग नहीं, खाली गिनी अकेले, वैसे चांस तो कम है कि अंदर हम लोग लेके जा पाए, लेकिन अगर सक्सेसफुल हो गए तो ये जरूर आप लोग भी ट्राई करिएगा, ठीक है? और बाद में फंसा तो मुझे मत बोल देना। गिनी अपने पेट में बांध के सैंडविच ले जाएगी, बम बांध के ले जाएगी। चलिए तो हम लोग तो पहुंच चुके हैं जगह पे, सिनेमा हॉल थोड़ा सा आगे है बस 4 कदम, अभी टेप लाने के लिए, ताकि गिनी जो खाने वाला सामान है इसको चिपकाएगी अपने अपने शरीर में, उसके बाद लेके जाएगी, और अगर टेप नहीं मिला तो भगवान जाने क्या होगा। तो भाई लग रहा है कि अब कुछ नहीं आएगा, तो गिनी बस चॉकलेट रख रही है, यही बस मिलेगा, देखते हैं कि वहाँ चल के अगर चेकिंग में पकड़ा गया तो बात अलग है, नहीं तो ठीक है, ये मैं आँख के सामने लेके जाऊंगी। चलो भाई अब चलते हैं, क्योंकि टेप आने में बहुत टाइम लग रहा है और सिनेमा शुरू हो चुका होगा शायद। मंगल गया था टेप लाने के लिए, फाइनली टेप मिल चुका है और डॉक्टर टेप मिला है, अब देखते हैं कि इससे कितना काम होता है। जल्दी खोले यार, टाइम कम है, काम तो हो जाएगा इससे भी, चलो चलो जल्दी जल्दी करो। ये ले। ओ भाई साहब, गिन्नी देखो एकदम अपना पैकिंग कर रही है, हम लोग एक्चुअली में लोगों को चोरी सिखा रहे हैं यार,
भाई कोई ये चीज फॉलो मत करना, एकदम करना, उसका पैसा बचेगा। हाँ पैसा बचे तो और बोल भी रहे हैं हम लोगों को चोरी सिखा रहे हैं। पैकिंग करो पूरा अच्छे से, एकदम पकड़ी नहीं जानी चाहिए नहीं तो पूरा इज्जत चला जाएगा। इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर सिर्फ रोल है। वाह 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 रे वाह, फुटबॉल जैसा पैंट पहना है, कुछ तो फायदा होगा। अरे एक मिनट रुको रुको, अब कुछ और है इधर भी हटाएंगे, क्योंकि देखो जाएगा तो सब कुछ जाएगा, पकड़े जाएंगे तो अच्छे से पकड़े जाएंगे, वो वाला गोल वाला। भाई जो करना था तो मैंने कर लिया, चलने में नहीं बन रहा है भाई, अब आगे का नहीं पता मुझे कि क्या होगा। ये सारे लोग मुझे फंसवा के रहेंगे, पर कोई नहीं यार, लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए मेरे हिसाब से, वही इंटरेस्टिंग काम करने आज मैं जा रही हूँ। भाई हम सब लोग निकल चुके हैं एक ऐसे जंग पे, ये जंग का अंजाम कोई नहीं जानता है। हाँ बांधो बांधो बांधो, अच्छे से बांधो, चल खोल, चल कोई दिक्कत नहीं है, चल। टू बी ऑनेस्ट मूवी इतना बेकार था कि हम मूवी आधा से छोड़ के भाग गए। सीरियसली ये रिव्यू देते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, बट हम तो निकल आए वहाँ से। शिवम अभी मूवी देख रहा है, क्योंकि वो मूवी खराब हो या अच्छा हो एक भी मूवी नहीं छोड़ता, तो वो मूवी देख रहा है और हम वहाँ से निकल के आ गए, क्योंकि हम सोच रहे थोड़ा सा शॉपिंग कर ले, तो हम शॉपिंग करने के लिए मूवी छोड़ के आ गए। वाओ, तो आज मैंने लाइफ में पहली बार लिया है पापा के लिए कुछ गिफ्ट। गिफ्ट क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाने वाली हूँ। पापा के लिए लिया है मैंने टी शर्ट, जो कि बहुत ही प्यारा है, टी शर्ट नहीं शर्ट, जो कि उनको चाहिए था काफ़ी टाइम से, बहुत ही हल्के वेट में, तो मुझे मिल गया तो मैंने ले लिया। तो अभी मैं देखती हूँ कि पापा को पसंद आता है या नहीं आता है। चलो चलो, ये लास्ट जो मूवी का देख चुकी है, ये फिर से जा रही है वही लास्ट देखने के लिए। मैं कुछ नहीं करा रही हूँ, हमने उठा लिया है, अब तुम लोग बिलिंग करा के और ले जाओ पैसे। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। तुम्हें बिल करना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आ गया। शिवम कैसा था मूवी? अच्छा नहीं था ना, यूजुअली कभी किसी मूवीज का बुरा ही नहीं करता, लेकिन आज अच्छा नहीं था यार। ये लो जी, सूंघने के लिए 30 रुपए का, इतना कम कम चाय हाजिर है। तो यार आज का हमारा किस्मत बहुत खराब था, क्योंकि मूवी भी खराब और दिन भी खराब, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ आज हमारे साथ। भाई चाय मंगवाया था, चाय मत पूछो, सब चीज़ खराब खराब खराब। अब देखते हैं कोई रेस्टोरेंट मिलता है हमें खाना दबाने के लिए, या भूखे जाके घर में सोना पड़ता है। चलिए चलिए मंगल जी, चलिए पूजा दीदी और मंगल मिलके इतना सारा सामान लिए हैं। अरे अरे गिराएगा गिराएगा गिराएगा, नहीं नहीं बस गया। अरे गिराएगा यार, ये गार्ड वाले भैया भी चिल्लाने लगे, बाबू बाबू आराम से। जाओ गाड़ी लेके आओगे। अरे रे रे, हेलो हेलो हेलो, मिले थे मंगल भाई से, मिले थे शिवम भाई। हाँ हाँ बिल्कुल हो गया। अच्छा ये सब्सक्राइबर थे। इधर सामान शिवम को पकड़ा के मंगल चला गया गाड़ी लेने के लिए। चलो यार निकलते हैं यहाँ से, और शायद हमें भूखे पेट घर जाना पड़ेगा। अरे 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 प्यारी बहना, थैंक यू सो मच। आ गया मंगल, डिग्गी खुलवाओ डिग्गी खुलवाओ, पर अब जल्दी जल्दी मंगल को बोलो साइड करने के लिए। तो अभी आते आते हमारा एक और लड़ाई हो गया भाई, मत पूछो, दिन बहुत खराब है। मतलब हमारा नहीं हुआ, हमारे साइड से गलती हुआ था। मतलब शिवम ने डिक्की खोला था, तो एक बंदा ना एकदम पूरा डिक्की से सटा के बाइक निकाला, तो डिक्की उसके सिर पे लग गया, एकदम थोड़ा सा टच हुआ, तो उसने गाली दे दिया माँ की, तो इस बात पे लड़ाई हो गई। मैं हम लोग सॉरी बोलने वाले थे उसको डिक्की लगने की वजह से, जबकि गलती उसी का था, फिर उसने ऐसा कर दिया तो लड़ाई हो गई। सच में आज का दिन हमारा बहुत खराब था, इतना खराब कि मत पूछो। रात के 11 बज रहे और अभी तक कुछ खाया भी नहीं है, मतलब शाम से लेकर के अभी तक कुछ खाया नहीं है, तो समझ सकते हो इसी के हिसाब से। मूवी देखने गए थे, मूवी तो हम लोगों ने आधे पे छोड़ दिया और शिवम ने 80% देख के छोड़ दिया। मूवी बहुत अजीब था यार, सॉरी, पर अच्छा नहीं था। तो आज सच में दिन बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि पहले तो उतना सारा कांड हुआ, अब ये देखो बारिश और थोड़ा थोड़ा ना बर्फ भी गिर रहा है। मौसम है तुमको खराब खराब खाली खराब यार, अब बर्फ भी गिर रहा है ना, इसलिए बोल रही हूँ मैं खराब। इतना हाई टेम्परेचर में ठंडा मौसम हो गया, तुमको सुबह सुबह बोलना चाहिए तो कह रही है खराब है। अरे यार ठंडक मिली राहत सबको गर्मी से, वो तो है, पर ऐसे बिजली बिजली गरज रहा है इसके कारण बोल रही हूँ मैं।
मेरा छोटा बाबू, मेरा छोटा बाबू, मेरा बड़ा बाबू, बाबू यू डू यू डू यू डू यू डू और और कैसे कैसे कर रहा है मेरे बेटा। अरे बाबू बाबू हां हां अरे भाई अरे कैसे कर रहा है ये। हां हां चलो 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 हां बन रे हे शुम शुम पकड़ शुम पकड़ पाना पकड़ पूजा भाग जल्दी पूजा भाग भाग जल्दी ए भाग तो सही तू इसको लेके भागेगी क्या पूजा भाग जा बच गई बच गई। अरे मेरा छोटा बेटा तो सबसे प्यार है। वाओ बैठो आओ छोटू इधर देख ले। लेकिन पांडा का प्यार कम हो गया है ना। गेट खोल गेट खोल गेट खोल गेट खोल शिव गेट खोलो। वो बहुत खतरनाक हाल हो गया है। घर में लाइट नहीं है, इन्वर्टर भी चार्ज नहीं है, मतलब डिस्चार्ज हो गया। और बारिश इतनी गंदी हो रही है बाहर कि पूजा दीदी का पूरा बेड गीला हो गया। मेरा नहीं हुआ है, पता नहीं क्यों पूजा दीदी का हो गया, मेरा नहीं हुआ। तो उसके बाद तो यार बस मैं क्या ही बोलूं आगे। तो बस आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि ये फोन भी चार्ज नहीं है मेरा। तो बस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री श्याम।